नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा उपेक्षा के बाद भी सुहरदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ के इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सुभाषपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात किया और उनके समर्थन में आज कई स्थानों पर जनसंपर्क कर उन्हें जिताने की अपील की। इस अवसर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ का यह चुनाव इतिहास रचेगा। साथियों, आपको पता है कि कल विधान परिषद की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराया। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में शामिल अपने किसी दल को एक भी सीट नहीं दिया। इस वजह से कल सुहरदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल एवं जनवादी दल, जो तीनों ये दल उनके समर्थक हैं, इनके नेता सुहरदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर, जनवादी दल के डॉक्टर संजय चौहान, महान दल के श्री केशव देव मौर्या, तीनों की प्रतिक्रिया आई और तीनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस फैसले से नाखुश थे। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके दोनों पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर, साथ साथ उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पे कमेंट किया और अपना दुख जाहिर किया। एक चैनल से बातचीत करते हुए जब चैनल के पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने इसकी बात का अपरोक्ष रूप से समर्थन किया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, समाजवादी पार्टी के मुखिया को उनकी पार्टी को तवज्जो देना चाहिए था। ये उनका बयान आप सुन ले साथियों। और 16 फीट लड़का 6 फीट जीतने वाले को एक भी टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी की उपेक्षा है, इसमें इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही है तो वो बात में दम तो है ही है, उन्होंने सही बात कहा है। उनकी भावना है, उनकी सोच है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उनकी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम नहीं अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से, उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है, जो सच है तो सच को स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसे में क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जत नहीं है तो बेइज्जत कौन है। इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर नाराज तो हैं, लेकिन नाराजगी के बावजूद बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने आज गठबंधन धर्म का पालन किया और आज सुबह ही आजमगढ़ रवाना हुए अपने समर्थकों के साथ और धर्मेंद्र यादव से मिल के और उनके साथ उनको जिताने के लिए आज प्रचार करते देखे गए। आपको पता है साथियों, आजमगढ़ की यह पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 1 लाख वोट राजभर जाति का है, जिस पे सपा मुखिया अखिलेश यादव की नज़र है। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के आज के विधायक और पूर्व मंत्री कद्दावर नेता रामचंद्र राजभर, दोनों को आज उन्होंने आजमगढ़ बुलाया था। इन दोनों नेताओं ने धर्मेंद्र यादव से मिलके अपनी हाजिरी लगाई और स्थान स्थान पे अपने समर्थकों के साथ प्रचार में जुट गए। दोनों नेता ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यह चुनाव जीत जाए। समाजवादी पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों का उत्साह आजमगढ़ उपचुनाव में मिसाल बनता जा रहा है। धर्मेंद्र यादव के समर्थन में एवं माननीय मुलायम सिंह यादव तथा माननीय अखिलेश यादव की विरासत को सम्मानजनक वोटों से बचाने के लिए जैसे पूरा का पूरा
सपा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता व्याकुल है। समझा जाता है कि अखिलेश यादव बहुत शीघ्र केशव देव मौर्य एवं डॉक्टर संजय चौहान की नाराजगी को भी दूर करने में सफल हो जाएंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।